हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ गेट के एग्जाम से कुछ प्रॉब्लम्स। तो जो गेट का एग्जाम हुआ है आज ही, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तीन स्टेज दे रखी थी, 0E, 2E और नंबर ऑफ पार्टिकल दो दे रखे थे और चार हमें वे फंक्शन कैलकुलेट करने थे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन में। तो उसमें क्या करें, e^-β0 1 हो जाएगा, प्लस e^-βe इसे एनर्जी के साथ ले लें, प्लस e^-β2e इसके साथ ले लें, इसका स्क्वायर कर दें, पार्शियल फंक्शन हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और इंडिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन 1/2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1/2 होता है, यानी 2 ले लें और इस फंक्शन को एस सच लिख दें जो टर्म्स है इसका स्क्वायर करके, ये हो जाएगा। फर्मी ड्राक के केस में तीन हमारे केवल पॉसिबिलिटीज बनेंगी, तीन स्टेज दिखा दें, 0E, 2E, 0E, 2E और 0E और 2E। फिर पार्टिकल की फिलिंग करें, क्योंकि दो फर्मी पार्टिकल एक साथ नहीं रह सकते एक क्वांटम स्टेट में, तो एक 0 और E में होगा, एक तो यहाँ पे एनर्जी E हो जाएगी, तो पार्शियल फंक्शन ये हो जाएगा। एक पार्टिकल एनर्जी 0 में होगा, एक 2E में होगा, यहाँ पे एनर्जी 2E हो जाएगी, तो यहाँ पार्शियल फंक्शन e^-β2e होगा। यहाँ पे एक ई में होगा, एक 2E में होगा, तो टोटल एनर्जी 3 हो जाएगी, तो पार्शियल फंक्शन e^-β3 होगा, तो टोटल पार्शियल फंक्शन होगा फर्मी ड्राक में। और जो हमारा चौथा केस होगा वो साइन स्कीम में, उसमें मैंने यहाँ पर फिलिंग दिखा रखी है, ये 6 इसके कॉम्बिनेशंस बनेंगे इसके अंदर, दोनों पार्टिकल एनर्जी 0 में है तो ये पार्शियल फंक्शन e^-β0, एक 0 में है एक ई में है तो पार्शियल फंक्शन e^-β1, एक 0 में है एक 2E में है तो पार्शियल फंक्शन e^-β2e, एक हमारा ई में एक 2E में तो पार्शियल फंक्शन e^-β3, और ये दोनों हमारे अगर ई में है तो e^-β2e पार्शियल फंक्शन, और एक हमारे दोनों जो है 2E में है तो पार्शियल फंक्शन e^-β4। तो ये इनको सबको ऐड करके लिख दें, ये हमारा पार्शियल फंक्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक बॉडी दे रखी थी, उसमें पीक वेवलेंथ पे वेवलेंथ बता रखी थी कि इतनी जो है वेवलेंथ है और टेम्परेचर बता रखा था। यहाँ पे एग्जैक्ट जो स्टूडेंटों ने बताया है कि एग्जैक्ट तो हमें वैल्यू नहीं पता, पर सर ये पता था कि जो हमारा लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 1 से जो है लैम्डा 2 सही दूना था, तो यहाँ पे मैंने एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली है 289.6 नैनोमीटर इंटू 10,000 इजकल टू 579.2 इजकल टू T2। तो यहाँ से जब ये दूना होगा इधर की तरफ, तो यहाँ पे T2 जो हो जाएगा वो 10,000/2 हो जाएगा, तो T2 यहाँ पे टेम्परेचर 5,000 केल्विन होगा। ये क्वेश्चन हमारा 20 लो का है और लगातार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन को इसमें मैंने रिवाइज सॉल्यूशन करने की कोशिश की है और इसमें मैं क्लियर किए देता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है और क्यों। इसमें बेसिकली क्या है कि तीन बोसोन दे रखे थे और उसमें था एक्साइट स्केट में जो एक के सी भी पॉसिबल है कि दोनों पार्टिकल एन बराबर 1 में हो और एक पार्टिकल एन बराबर 1 जो हमारा एन बराबर 3 में जाए। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी निकालते हैं तो इसकी जो एनर्जी होगी वो तो हमारी 2 × π² एस्कट स्क्वायर अपॉन 2 mA² या एल हम ले रहे हैं तो लेंथ एल स्क्वायर होगी, और यहाँ पे इस वाले की जो होगी वो 9 π² एस्कट स्क्वायर अपॉन 2 mL² होगी। इन दोनों को ऐड करें तो 11 π² एस्कट स्क्वायर अपॉन 2 mL² होगा। तो यहाँ पर जो है वैल्यू π² एस्कट स्क्वायर अपॉन mL² mA² एल की जगह ले लें तो 11/2 हमारा आंसर होगा, मीन 5.5। एक स्टूडेंट कह रहे हैं वो इंटीजर में पूछा है, तो अगर इंटीजर में पूछता है तो मेरा ही वाला आंसर मार्क करें जो मैंने बताया था, उसमें 6 मैंने बताया था तो 6 ही मार्क करके आए। अगर वो फ्रैक्शन में अलाउ करता है तो आंसर 5.5 मार्क करके आए। तो आप देख लें कि वहाँ इंटीजर में पूछा है, क्योंकि इंटीजर में तो मैंने सही सॉल्व किया था, क्योंकि वहाँ पर आंसर तीनों पार्टिकलों को मैंने इस स्टेट में रख दिया था इस वाली में, लेकिन क्योंकि इसकी एनर्जी कम बन रही है वहाँ पे जो आंसर था उसके मुकाबले ये 5.5 π² एस्कट स्क्वायर अपॉन mA² बनेगी अगर एल की जगह ले लें, और जो मैंने यहाँ 5.5 बन रही है जो मैंने निकाला था जब तीनों को इस स्केट में रख दिया था तो वहाँ से 6 आ रही थी। तो आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज कई बार आंसर में मैटर करती है कि उसमें क्वेश्चंस में क्या दे रखा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चंस आपने सही किए होंगे और मुझे उम्मीद है कि जो पेपर है उसके जब आप मैचिंग कर रहे होंगे तो करीब करीब सॉल्यूशंस जो है उसी रेंज में आ रहे होंगे आपके। एक क्वेश्चन में स्टूडेंटों ने कहा है कि सर जो हमारा मोबिलिटी पूछी थी तो उसमें इलेक्ट्रॉन और होल के जो डाटा थे वो आपने रिवर्स कर दिए, तो उसे करेक्ट कर लें, क्योंकि मेरे पास जो सॉल्यूशंस जो भी मैं दे रहा हूँ स्टूडेंटों के जो क्वेश्चन भेजे हुए हैं उसी पर दे रहा हूँ, तो उसको देख लें, अगर कहीं पर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसे बता दें, मैं उसे मॉडिफाइड करके बता दूंगा। तो कई बार लैंग्वेज तय करती है, अगर एक ही जन में पूछा तो मेरे ही वाला आंसर रखें, अगर फ्रैक्शन अलाउ करें तो उसे 5.5 कर दें यहाँ पर। तो ये इसमें मैंने रिवाइज के लिए बताया है।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।